नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10s वर्सेस Infinix Hot 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 10s में 6.75 इंच जबकि Infinix Hot 11 में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 10s से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 10s में 3.05 इंच जबकि Infinix Hot 11 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 10s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 10s में 0.36 इंच जबकि Infinix Hot 11 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 10s में 211 ग्राम्स जबकि Infinix Hot 11 में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 10s में 6.82 इंचेस जबकि Infinix Hot 11 में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 10s में 720x1640 और Infinix Hot 11 में 1080x2480 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 10s में 83.23% जबकि Infinix Hot 11 में 84.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 10s में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Infinix Hot 11 में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 10s में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Infinix Hot 11 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 10s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Infinix Hot 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali G52 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 10s में MediaTek Helio G85 और Infinix Hot 11 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 10s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Infinix Hot 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 10s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Infinix Hot 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 10s में 6000 mAh जबकि Infinix Hot 11 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 10s में 4 कलर्स जबकि Infinix Hot 11 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 10s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 9999 रुपीस
6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में इन्फिनिक्स हॉट 11 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है जो कि 8,490 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F41 है जो कि 16,699 रुपए में मिलता है। तीसरा LG W31 Plus है जो कि 8,899 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 13,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।